लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुरुदेव, यह तो किसी महान ऋषि का आश्रम प्रतीत होता है, परंतु यह इतना सुनसान क्यों है? यहां पर कौन निवास करता है? लक्ष्मण, यह आश्रम परम तपस्वी गौतम ऋषि का है। यही वो आश्रम है जहां उस महान घटना का जन्म हुआ था, जिसके कारण एक सती और महान स्त्री को शापग्रस्त होना पड़ा। कौन थी वो सती नारी गुरुदेव? परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी अहिल्या। देवी अहिल्या? राम, ये शिला देख रहे हो, ये कोई साधारण शिला नहीं, अभी तो स्वयं देवी अहिल्या हैं, जो अपने पति गौतम ऋषि के शाप के कारण शिला बन गई। परंतु सती का अपराध क्या था गुरुदेव, जिसके कारण उसे शापित होना पड़ा? जब तुम दोनों इस देवी अहिल्या की करुण कथा सुनोगे तो सब कुछ स्वयं जान जाओगे। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भाव, तुम हमारी मानस पुत्री हो, तुम्हें संसार में नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत करना है। जो आज्ञा परमपिता, आप मेरे जन्मदाता हैं, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही आचरण करूंगी। हमारे विधान के अनुसार तुम्हारा शुभ विवाह सप्तऋषियों में प्रशस्त ऋषि गौतम से होगा। शीघ्र ही तुम गौतम पत्नी अहिल्या कहलाओगी। आपकी आज्ञा के सम्मुख मैं नतमस्तक हूं परमपिता। तेरी अहिल्या कितनी सुंदर हो तुम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय धनु हरे। सदा सौभाग्यवती रहो अहिल्या। गौतम ऋषि, आपका यश चारों दिशाओं में फैले और आप दोनों का नाम अमर हो।
रूपवती हो तुम। स्वामी, आप इतने शीघ्र ही लौट आए। हाँ प्रिया, तुम्हारे इस मनमोहक रूप ने मुझे लौटने पर विवश कर दिया। सच, तुम्हारा ये सौंदर्य मुझे विचलित कर रहा है। परंतु स्वामी, ये ब्रह्म मुहूर्त है और इस समय ये उचित नहीं है। प्रिया, तुम्हारी ये मनोहर छवि, ये मादक नयन, ये लोल अधर, तुम्हारी रूप शिका मुझे समय की मर्यादा भंग करने पर विवश कर रही है। ये आपको अचानक क्या हो गया स्वामी? अचानक कुछ नहीं हुआ प्रिय, ये मादकता तो हम पर उसी दिन से छाए हुए, जिस दिन हमने तुम्हें पहली बार देखा था। सच सच, तुम ब्रह्मा की सबसे सुंदर रचना हो। तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हुआ। गौतम ऋषि, आज आप ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व स्नान करने कैसे आ गए? किसी ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, आपके साथ छल हुआ है, छल हुआ है आपके साथ। ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू नपुंसक हो जाए।
निकलिया। तुम इतनी लोलुप, इतनी पतित निकली, धिक्कार है तुम पर। नहीं स्वामी, नहीं, ये झूठ है स्वामी। मैं आपसे शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैंने आपके सिवा और किसी का भी सपने में भी ध्यान नहीं किया। उसका भी इंद्र ने चल पूर्वक मेरा शील हरण करने का प्रयास किया था स्वामी। नहीं, इंद्र से अधिक दोषी तुम हो अहिल्या, क्योंकि तुम अपने पति के रूप में आए एक छलिए को ना पहचान सकी। और संभव है कि तुमने और इंद्र ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं सुख भोगने की चाह थी। अवश्य ही तुम इंद्र के साथ रंगलिया मनाना चाहती थी। नहीं नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, स्वामी एक पतिव्रता को ऐसे अपशब्द कह के लांछित न कीजिए। मैं निर्दोष हूँ, मेरा विश्वास कीजिए स्वामी। गुरुजनों ने सत्य ही कहा है कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं समझ सकते। और तू इस समय मेरे क्रोध से बचने के लिए अपना त्रिया चरित्र दिखा रही है। परंतु उल्टा पतिद्रोणी, तू मेरे श्राप से बच नहीं पाएगी। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी समय पाषाणी बन जाए और शिला बनकर अनंत काल तक अपने पाप का प्रायश्चित करती रहे। इतना कठोर शाप न दीजिए स्वामी। मैं अपने पिता ब्रह्मदेव की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। इस शाप का निवारण कीजिए नाथ। एक निर्दोष को इतना कठोर दंड न दीजिए। मुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बता दीजिए स्वामी, मुक्ति का उपाय बता दीजिए। अहिल्या, अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो भगवान विष्णु के राम अवतार के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या, मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता। हाँ, भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना अवश्य करूंगा। तब से देवी अहिल्या मेरी प्रतीक्षा कर रही है गुरुदेव। हाँ राम, देखो ये विधि का विधान भी कितना विचित्र है। अविलंब न करो राम, अपने चरण रस से इस पतिव्रता देवी का उद्धार करो। देवी अहिल्या, आपकी इस प्रतीक्षा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने पूर्व रूप में फिर से लौट आइए देवी। अपने पूर्व रूप में फिर से लौट आइए देवी। ऐसा अनर्थ ना करो माता, आप मेरी पूज्य हैं। अपने उद्धारकर्ता का उपकार कैसे न मानो प्रभु। आपने मुझे फिर से जीवित करके ये सिद्ध कर दिया कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। कहा है गौतम ऋषि, यदि वो इस आश्रम में है तो आए और देखे कि ब्रह्मपुत्र अहिल्या सचमुच निर्दोष है। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्यमान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु, जिस दिन मैंने अहिल्या को श्रापित किया उसी दिन से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। परंतु अब पिछली बातें भूल जाइए ऋषिवर। भाग्य का लेखा हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। देवी अहिल्या, आप भी पिछली बातें भूलकर अपना मन निर्मल कर लीजिए।